गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप सभी का स्वागत है रिपब्लिक भारत के ल्यूमिनस स्टूडियो में। और अब बात करते हैं चुनाव की। चौथे चरण को लेकर वोटिंग का सिलसिला लगातार बना हुआ है। आपको बता दें 10 राज्यों की 96 सीटों पर 2 घंटे बीत चुके हैं, लगातार वोटिंग का सिलसिला बना हुआ है। लोग पहुंच रहे हैं अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। चौथा चरण है जिसमें 9 राज्य हैं, 1 UT, और वहां पर 2 घंटे से लगातार जारी है मतदान। मतदान केंद्रों पर बड़ी कतारें नजर आ रही हैं, लोग बेहद उत्साहित हैं और अपना वोट कर रहे हैं। तो ये 10 राज्यों की 96 सीटें हैं जहां पर कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है, चाहे बात ओवैसी की हो, माधवी लता की हो, अखिलेश यादव की हो, साक्षी महाराज की हो, गिरिराज सिंह की हो। ये तमाम वो दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का आज होगा फैसला। बिल्कुल, तो तस्वीरें हम आपको यहां दिखा रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 9 बज चुके हैं, 2 घंटे का वक्त बीत चुका है। वो जो आंकड़ा है 2 घंटे का वो भी थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से मेरे सहयोगी ने आपको बताया, 10 राज्य जिसमें से 1 केंद्र शासित अगर हम बात करें प्रदेश, और साथ ही साथ जो 96 सीट्स हैं उन पर मतदान की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है, ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर, उज्जैन, उन्नाव, बेगूसराय, समस्तीपुर, श्रीनगर और कानपुर की ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि 2019 के मुकाबले की अगर बात करें तो इस बार वोटिंग प्रतिशत उतना नहीं दिखाई दिया अभी, अगर पिछले 3 चरणों की बात करें। लेकिन आज चौथे चरण का ये चुनाव हो रहा है। कई दिग्गज जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है, कई ऐसे मुद्दे भी इस दौरान गायत्री हमने देखे कि पहले चरण से चौथे चरण तक आते आते किस तरह से मुद्दे लगातार बदलते रहे। बिल्कुल, जो मुद्दे थे वो लगातार बदलते रहे, जुबानी तीर जमकर चले हैं। चाहे बात पित्रोदा के जरिए कांग्रेस की नस्लभेदी टिप्पणी की बात हो, प्रधानमंत्री मोदी को गुस्सा भी आया था, राहुल गांधी से उन्होंने जवाब भी मांग लिया था। ये हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। रिपब्लिक भारत की एक बड़ी टीम लगातार पल पल का अपडेट दे रही है। कानपुर से आप देख सकते हैं अजय दुबे हमारे साथ हैं, इसके अलावा उज्जैन से सत्य विजय, जहां पर मोहन यादव ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, इसके अलावा उन्नाव में मृदुल वहां पर मौजूद हैं, और बेगूसराय में सुजाता हमारे साथ हैं। इसके अलावा तमाम जो हमारे सहयोगी हैं वो लगातार हमारे साथ बने। प्रकाश जी भी हैं बिहार से। प्रकाश जी का एक बार हम सीधे यहां पर रुक करते हैं, किस तरह से जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है, किस तरह के मुद्दे हम लगातार उनकी भी बात कर रहे हैं कि पहले चरण से चौथे चरण तक आते आते वो मुद्दे बदलते रहे और तीखे तेवर दिखाई देते रहे यहां पर राजनीतिक दलों के। लेकिन समस्तीपुर में क्या है तस्वीर इस वक्त, वहां जिस पोलिंग बूथ पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी है प्रकाश जी, हम सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। प्रकाश जी, देखिए मैं पोलिंग बूथ पे नहीं हूँ अभी, यहाँ पर मैं सांभवी चौधरी का इंटरव्यू करने आया था और उसके बाद सांभवी से बात किया जो कि युवा उम्मीदवार हैं 25 साल की, और यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला है समस्तीपुर में। जेडीयू के 2 मंत्रियों के बच्चे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, सांभवी चौधरी, अशोक चौधरी जो कि ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं और जेडीयू से आते हैं, उनकी बेटी हैं सांभवी, और सन्नी हजारी जो है, महेश्वर हजारी जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं और जेडीयू के नेता है, वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग मुकाबला है यहाँ पर। लेकिन पटना में जो रोड शो हुआ कल, उसका मैजिक हमने देखा, और स्वतः जिस तरीके से लोग आते हैं और नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हैं, या अभी सुबह सुबह जब पोलिंग बूथ पर था मैं, तो वहाँ पर जिस तरीके की लोग भावना व्यक्त कर रहे थे वो दर्शाता है कहीं ना कहीं कि एक बड़ा तबका नरेंद्र मोदी को फिर से दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, और डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में है। और जितने भी पैरामीटर्स हैं, अगर चुनाव के आंकड़े देखें आप, तो नरेंद्र मोदी और उनके खिलाफ जो विपक्षी चेहरा है उसको लेकर, उस सब में नरेंद्र मोदी आगे देखते हैं। इसलिए मुझे लगता है ऐसा कि ये नरेंद्र मोदी की हवा चल रही है और प्रो इनकम्बेंसी इलेक्शन है। अगर पूरे इंडिया में अगर आप एनडीए कैंडिडेट को देखें तो एनडीए उम्मीदवार जरूर हैं लेकिन उसमें मुखौटा नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है, क्योंकि लोग ऐसे ही बात करते हैं, पार्टी कोई भी हो, लोग कहते हैं कि हम मोदी को दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को, सब अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। तो इस तरह की लोकप्रियता जब देखने को मिलती है तो ऐसा प्रतीत होता है
कि ये नरेंद्र मोदी के ही नाम पर चुनाव चल रहा है, पूरा चुनाव उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। बहरहाल विपक्षी उम्मीदवार भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश की है। कई जगह जैसे बगल का क्षेत्र है उजियारपुर, वहां से नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनके खिलाफ आलोक मेहता है कुशवाहा वोट में डेंट मारने की कोशिश कर रहे हैं, और बेगूसराय में जैसे गिरिराज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण मुकाबला है बिहार के लिए, और जैसे से जैसे फेजेस आगे बढ़ते जा रहे हैं मोमेंटम बिल्ड हो रहा है और एक नया दृश्य उभरता हुआ मुझे ऐसा लगता है कि मोदी के फेवर में मोदी की लहर चल रही है। बैक टू यू। कहां से बोल रहे थे? बिल्कुल, तो प्रकाश जी हमें बता रहे थे कि किस तरीके का वहां पर मुकाबला है। दो मंत्रियों के जो बच्चे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम सीधे रुक लेते हैं बेगूसराय से, हमारे सहयोगी सुजाता लगातार वहां पर मौजूद हैं। प्रतिक्रिया का जिक्र भी गिरिराज सिंह ने कर दिया और साथ ही जीत का दावा भी किया। सुजाता, वहां पर क्या तस्वीर आपको दिखाई देती है, और अभी मतदाताओं की अगर बात करें तो किस तरीके का उत्साह, क्योंकि 2 घंटे बीत चुके हैं वोटिंग को। बिल्कुल हिमानी और गायत्री, देखिए क्रिया की प्रतिक्रिया की अगर हम बात करें तो बेगूसराय उसका बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि एक दशक पहले तक इसे लेफ्ट का गढ़ माना जाता था, लेकिन ये राइट हो चुका है अब, और अब बेगूसराय पे बीजेपी का कब्जा है पिछले 2 बार से, और बड़े मार्जिन के साथ जीते हैं गिरिराज सिंह। और हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बरौनी है बेगूसराय में, और यहाँ पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं। हम कई पोलिंग बूथ पर घूम कर आए हैं। हालांकि आप देखिए, ये जो इस बार वोटर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो मतदान प्रतिशत बढ़ाएं, क्योंकि हम पिछले 3 चरणों में देखा है हमने कि सबसे कम प्रतिशत अगर कहीं हुआ है तो यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में है। और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के लोग इस बार जो वो रिकॉर्ड है, वो खराब जो रिकॉर्ड है उसको ठीक करेंगे। बहुत से लोग यहाँ पर कतार में हैं, जरा उनसे हम बात करने की भी कोशिश करते हैं जो वोट डालने के लिए आए हैं। वोट डालने के लिए आप आए हैं बेगूसराय में, मुद्दा क्या है वोट डालने का? बेरोजगारी। बेरोजगारी मुद्दा है। आप युवा हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जी, यहाँ जातिगत समीकरण बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप ये बताइए कि आदमी जब वोट डालने आता है, आप वोट डालने आए तो क्या सोचते हैं? वोट देना है, और ये तो बताना नहीं है किसको वोट देना है। ये तो नहीं बताइए किसको देना, लेकिन क्या सोचकर वोट देते हैं किसी प्रत्याशी में? क्या अधिकार है? ये हमारा अधिकार है, मतदान करना हमारा अधिकार है। लेकिन बहुत से प्रत्याशी जब आते हैं अपना अपना दावा करने के लिए, तो आप उसमें क्या खूबी देख कर सोचते हैं कि इसको? सबसे पहले तो व्यक्तिगत अच्छा होना चाहिए, उसके बाद जो विकास का मुद्दा है, जिसका जो विकास कर रहे हैं देश में उसको देख। चुनाव का मुद्दा क्या है सबसे बड़ा? क्या है मुद्दा? आप पता नहीं मुझे। आप युवा से पूछते हैं सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव? हम नहीं बात करते हैं। चलिए आप बात करेंगे, देखिए बहुत सारे हैं। बिल्कुल, हमारी सहयोगी सुजाता जो कि इस वक्त बेगूसराय में मौजूद हैं, तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम मृदुल का भी रुख करेंगे, लेकिन फटाफट से एक बार मेहमानों का परिचय करा दें। हमारे साथ सौरभ दुबे जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रीति पांडे जी इस वक्त स्टूडियो में है, प्रोफेसर कपिल कुमार और साथ ही साथ दुष्यंत नागर जी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बार जरा हम रुख करते हैं, देखिए जम्मू कश्मीर से भी इस वक्त तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि बता दें आपकी आज जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त वोटिंग जो है वो इस वक्त यहाँ पर हो रही है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की तस्वीर ये इस वक्त यहां पर आप देख पा रहे हैं। लेकिन एक बार जरा हम उन्नाव में रुक करते हैं, जहां पर मृदुल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और यहां पर भी काफी दिलचस्प मुकाबला क्या इस बार देखने को मिल रहा है मृदुल? क्योंकि पिछली 2 बार से अगर हम देखें, साक्षी महाराज बनाम अभी अनु टंडन का मुकाबला, लेकिन पिछली 2 बार से अगर हम देखें तो एक तरफा जीत हासिल करते आए हैं साक्षी महाराज, और तीसरी बार एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है, वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप तस्वीर? बिल्कुल, देखिए अभी मैंने साक्षी महाराज से थोड़ी देर पहले बात की, एक बार फिर उन्होंने जीत का दावा किया है। 400 पार के साथ 5 लाख पार का उन्होंने नारा दिया है। समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट वोट करने के लिए जा रही है, वहीं पर हम खड़े हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इमानी उनसे बात करते हैं। भाई साहब आगे आ जाइए, क्या नाम है भैया अपना? दीप श्रीवास्तव। दीप श्रीवास्तव जी, क्या माहौल चल रहा है इधर? बस माहौल सर बस यही है कि हर आदमी अपने मतों का भरपूर इस्तेमाल करे, और कोई भी विधा बिना मत के ना रह जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्या मुद्दे हैं भाई साहब आपके? आ जाइए आगे। स्थानीय मुद्दे हावी हैं यहाँ पे। स्थानीय मुद्दे हावी हैं, तो जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे वो हावी नहीं? राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी हावी हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दा ज्यादा मायने रखता है यहाँ। अच्छा, उन्नाव के लिए। तो साक्षी महाराज तो बात करते हैं पाकिस्तान की, वो कहते हैं 5 लाख पार निकलेंगे हम लोग। हैं जी, हो सकता है। और आज ही मृदुल, महंगाई, बेरोजगारी, विकास, ये मेन मुद्दे। मृदुल, ना केवल पाकिस्तान बल्कि क्या कहना चाहेंगे, एक बड़ा बयान उनका सामने आया है, और ये कहा है कि किस तरह से मुस्लिमों की जो तादाद है वो बढ़ रही है। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि जब जब हिंदू घटा तब तब देश बटा, ठीक पोलिंग से पहले ये बयान सामने आया।
फिर वो कहते हैं कि हम 3 लाख से जीते, 4 लाख से जीते, 5 लाख से, 5 लाख कहना तो सब कुछ है। मोदी जी भी कहते हैं हम 4 लाख पार हैं, 400 पार हैं। कहने से और काम करने में बड़ा फर्क होता है। हमको रोजगार शिक्षा चाहिए, हमको मंदिर मस्जिद से खाने कुछ नहीं मिलता है, हमको रोजगार शिक्षा चाहिए। मुद्दा क्यों भैया, मंदिर है कि नहीं? हमको बेरोजगारी दूर करनी है। भैया क्या नाम है आपका? ब्रजेंद्र यादव। ब्रजेंद्र यादव जी, क्या माहौल चल रहा है इधर? माहौल खराब चल रहा है इधर, साक्षी महाराज का खराब चल रहा है। हाँ भाई साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप भी? सबसे बड़ा मुद्दा देखिए जो है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी हुआ बहुत ज्यादा परेशान है। एक भी पेपर उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का पेपर है, हर पेपर लीक हो रहा है। क्या करते हैं आप लोग? इलेक्शन टाइम पे होता है, पेपर क्यों नहीं टाइम पे होता है? यूपी पुलिस आउट हो गया, आरओआर आउट हो गया, बिहार पुलिस, जब से बीजेपी बिहार में आई है बिहार का भी पेपर लीक करवा दिया आपने। क्या करवा रहे हैं आप? तो ये देखिए, ये मुद्दे हैं हिमानी लोगों के, और लोगों का ये भी कहना है कि हमारे यहाँ तो स्थानीय मुद्दे भी आवे, और भी लोग आ रहे हैं। आ जाए भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोहित वर्मा। मोहित वर्मा जी, क्या नाम है, मतलब क्या आपके मुद्दे क्या? आ जाइए, आ जाइए। मेरे मुद्दे हैं रोजगार, शिक्षा, यही पे बात होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, पिछले 10 साल से बरसाती मेंढक की तरह चुनाव में नजर आते हैं साक्षी महाराज, उसके अलावा कभी नजर नहीं आते हैं। सांसद से नाराजगी है भाई साहब? बिल्कुल नाराजगी, नाराजगी है। ठीक है, वो कभी चुनाव के पहले कभी नजर ही नहीं आते, चुनाव के बाद फिर पता नहीं कहाँ अंतर ध्यान हो जाता है, जब चुनाव आता है फिर अचानक से प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, उन्ना 18 साल बाद मेरे मोहल्ले की सड़क बनी है, और उसके बाद क्या होता है, मोहल्ले का पार्क तो आज तक अधूरा कूड़े में पड़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है, ये मुद्दा आ जाइए भाई साहब, आगे आ जाइए। वोट डाल दिया आपने? नहीं डाला, तो वोट डालने के लिए आ रहे हैं। देखिए कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, धीरे धीरे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और आपने वोट डाल दिया मैम? बिल्कुल, मृदुल वहां से दिखा रहे हैं, उन्नाव में इस वक्त मृदुल मौजूद हैं, जो लोग हैं उनसे बातचीत करें। अलग अलग जगहों पर हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं, हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान बने हुए हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार, मैं सबसे पहले आप ही के पास आ रही हूं, क्योंकि हमने देखा इस चरण में आपको क्या दिखाई देता है। सुबह से हम लगातार लोगों का जो प्रतिक्रिया है वो भी जानने की कोशिश करें, हर कोई विकास की बात कह रहा है। लेकिन अगर हम इस चरण में देखें तो चाहे नस्ल भेदी टिप्पणी हो कांग्रेस की पित्रोदा के जरिए, या फिर पाकिस्तान को इज्जत देने वाला मणिशंकर अय्यर का बयान हो, 15 सेकंड वाला बयान भी नवनीत राणा ने हैदराबाद में दिया, इसके अलावा राम मंदिर के शुद्धिकरण की सियासत भी देखने को मिली, विकास पर वोट पड़ रहा है आज, या ये मुद्दे भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालेंगे? देखिए मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं कि आज देश का जो युवा है उसको एक बात पिछले 10 साल में समझ आ चुकी है कि अगर देश का विकास होगा तो उसके भविष्य का विकास भी उससे जुड़ा हुआ है। अगर विदेश में आज भारत की इज्जत है तो वो नौकरी करने जाएगा, उसकी भी इज्जत होगी, नहीं तो उसको भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे वो बंधुआ मजदूरों को किसी जमाने में ट्रीट किया जाता था। आज वो सिर उठा के चलता है, आज वो जानता है कि अगर बाहर से निवेश आएगा, भारत में फैक्ट्री खुलेगी तो उसको रोजगार मिलेगा।